आखिरकार वो घड़ी आ गई जब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम को पछाड़ दिया। जी हाँ, आईसीसी ने इस हफ्ते की बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव तीसरे पायदान पर हैं, जबकि बाबर आजम चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। सूर्य कुमार ने मंगलवार को मोहाली में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके दम पर वो बाबर को पछाड़ने में कामयाब हुए। बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के ही दूसरे धाकड़ बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पहले नंबर पर कायम है। रिजवान ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक जमाया था। इस पारी की बदौलत नंबर वन पर बने हुए रिजवान ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। रिजवान के सबसे ज्यादा 825 अंक हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्ट्रम 792 अंक के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव 780 अंक के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 771 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान पांचवें नंबर पर हैं, उनके 725 पॉइंट हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान 715 पॉइंट के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। सूर्य कुमार यादव के अलावा स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 22 की छलांग लगाई है और वो 65वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में नाबाद 65 रन बनाए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पहले T20 में रोहित शर्मा और लोकेश राहुल का विकेट लेने के बाद नंबर वन गेंदबाज बने हुए हैं। साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ दो विकेट लेने वाले लेग स्पिनर आदिल राशिद तीसरे स्थान पर पहुंच गए। भारत के अक्षर पटेल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लेने का फायदा मिला है। 24 पॉइंट की छलांग लगाकर पटेल ने 33वीं रैंकिंग हासिल की है।